नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए स्थानीय स्वशासन का पार्ट टू लेकर के आए हैं। तो देखते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने पिछली बार पढ़ा था कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इस स्थानीय स्वशासन के तहत दो प्रकार की सरकारें गठित की जाती है। तो नंबर एक, जो ग्रामीण क्षेत्र में गठित की जाती है, या आप उसे रूरल एरिया भी कह सकते हैं, रूरल एरिया में गठित की जाती है। दूसरी, शहरी क्षेत्र में या अर्बन एरिया में गठित की जाती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन के तहत जिस सरकार का गठन किया जाता है उसे पंचायत कहा जाता है, और शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन के तहत जिस सरकार का गठन किया जाता है उसे नगर शासन कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि नगर शासन के अंतर्गत हम किस किस को रखेंगे, तो नगर शासन के अंतर्गत हम नगर पंचायत को रखते हैं। नगर पंचायत से जो बड़ा रूप होता है वो होता है नगर पालिका, और नगर पालिका का भी जो विस्तृत रूप होता है वो होता है नगर निगम। यानी कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, इनको संयुक्त रूप से शहर में पाई जाने वाली स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत इनको रखा जाता है। तो आपने ये भी पढ़ा था कि अगर हम बात करें पंचायतें, तो पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है, तो पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है। जी हाँ, भाग 9 या सेक्शन 9 में किया गया है, और आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार नगर शासन की अगर हम बात करें, तो नगर शासन का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 9 क में किया गया है, और 9 क में आर्टिकल 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक इनका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है, यानी कि पंचायतें 29 विषयों पर कानून बना सकती है, और इन 29 विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में किया गया है। यानी कि अनुसूची 11 जो है वो भी पंचायतों के संबंध में है। उसी प्रकार से अनुसूची 12 की अगर हम बात करें, शेड्यूल 12, तो भारतीय संविधान में जो अनुसूची 12 है, अनुसूची 12 का उल्लेख भी, अनुसूची 12 में 18 विषयों का उल्लेख किया गया है, और इन 18 विषयों पर कानून नगर शासन बना सकता है, जिसके अंतर्गत नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम को शामिल किया जाता है। अब आगे की अगर हम बात करें कि भाई जो आपका 73वें नंबर का संविधान संशोधन था, ध्यान से सुनेंगे, 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये जो 73वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1992 में आया था, और जो 74वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये अधिनियम भी आपका 1992 में आया था। तो इन दोनों अधिनियमों के तहत, यानी कि 73वें नंबर के संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आपका आंसर आएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि नगर शासन को, नगर शासन के अंतर्गत भाग 9 को और अनुसूची 12 को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि 73वें और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के 10वें राष्ट्रपति पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा सदन में लाया गया था, जिसे 22 दिसंबर को लोकसभा ने और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने पारित किया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर किए, और 24 अप्रैल 1993 को ये पंचायत पूरे भारत में संवैधानिक दर्जा इसे मिला, तो इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो अब हम
आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो आपने कहा कि पहले हम पंचायत के विषय में पढ़ेंगे, तो पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया है। और अब हम इन्हीं आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो इनको आगे बढ़ाते हैं हम। तो भाई आपने कहा कि आर्टिकल 243, अगर हम आर्टिकल 243 की बात करें तो आर्टिकल 243 में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। ग्राम सभा की परिभाषा आर्टिकल 243 में दी गई है। पिछले वीडियो में आप सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं और यहाँ पे हम आर्टिकलों को विस्तार से समझाएंगे। तो आर्टिकल 243 की अगर हम बात करें तो इसमें ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। तो ग्राम सभा किसे कहा जाएगा? देखिए, जो पंचायती राज होगा, पंचायती राज में जो सबसे निम्न स्तर होगा वो ग्राम पंचायत होगी, उससे बड़ा स्तर पंचायत समिति होगी और उससे बड़ा स्तर जिला परिषद होगी। तो सबसे पहले हम ग्राम सभा की परिभाषा ज्ञात करेंगे। तो इसकी परिभाषा ये है कि किसी ग्राम के अंतर्गत रहने वाले, किसी ग्राम के अंतर्गत यानी कि उसकी सीमा के अंदर रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को, या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है? आयु वर्ग के लोगों को ग्राम सभा कहा जाता है। तो आप इमेजिन कीजिए, सपोज ये एक छोटा सा गांव है, इस गांव का नाम ए गांव है, और इस गांव में जो है जितने भी 18 वर्ष के लोग होंगे और उनका नाम इस गांव की निर्वाचन नामावली में दर्ज होगा तो उन्हीं लोगों को ग्राम सभा के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मूल रूप से इस ग्रामीण क्षेत्र के हैं लेकिन वो अब यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, वो पलायन कर गए हैं, दूसरे जगह पे चले गए हैं और अब वो यहाँ रहते नहीं हैं। तो जबकि वो यहाँ के मूल निवासी थे तो उन्हें ग्राम सभा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। तो ग्राम सभा की जो सटीक परिभाषा बनती है वो ये बनती है कि किसी ग्राम के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का वो समुदाय जिनका नाम संबंधित क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में दर्ज हो उनके समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। यानी कि निर्वाचन नामावली में उसी का नाम दर्ज होगा जो नियमित रूप से उस ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हो। आगे अगर हम बात करें आर्टिकल 243 क की, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 243 क में पंचायत की परिभाषा दी गई है कि पंचायत किसे कहा जाएगा। जी हाँ, पंचायत की परिभाषा दी गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि उसी गांव के अंदर एक व्यक्ति को प्रधान बनाया जाएगा और बाकी कम से कम 5 लोगों को पंच बनाया जाएगा। तो ये प्रधान और पंच का जो समुदाय है, इनका जो ग्रुप है, उसे हम पंचायत कह रहे हैं। यानी कि ग्राम सभा की जो प्रशासनिक समस्याएं हैं उनका समाधान पंचायत करेगी, तो इसको हम पंचायत कहते हैं। आगे अगर हम बात करें आर्टिकल 243 ख की, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 243 ख में ये कहा गया था पंचायत का गठन, पंचायत का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसे हमें समझने की आवश्यकता है क्योंकि इस पर आपके बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए अब हम इसे समझते हैं कि पंचायत का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। दोस्तों आइए इसे समझते हैं, आर्टिकल 243 ग में पंचायत का गठन, यानी कि पंचायत का गठन किस प्रकार से किया जाएगा उसके विषय में हम सोच बता रहे हैं। देखिए, इमेजिन कीजिए कि ये कोई एक गांव है और इस गांव की जनसंख्या 100 है, 100 लोग इस गांव में वर्तमान में रह रहे हैं, बाकी लोग जो है सुविधाओं के कारण पलायन कर गए हैं। तो जो लोग सुविधाओं के कारण पलायन कर गए हैं उन्हें ग्राम सभा में काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि उनका नाम उसकी निर्वाचन नामावली में दर्ज नहीं है। तो ये एक गांव के लिए स्पेशल पंचायत नहीं बन सकती क्योंकि पंचायत का गठन, अगर हम देखें तो जो पंचायत का गठन होगा वो कम से कम 500 की जनसंख्या पे होगा और अधिकतर 5000 की जनसंख्या पे होगा। तो थोड़ा इस क्राइटेरिया को समझेंगे कि अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या
500 से 5000 के बीच में है, यानी कि मिनिमम 500 होनी चाहिए और मैक्सिमम 5000 तक हो सकती है। तो उसे स्थानीय स्वशासन के तहत, उस क्षेत्र में किस चीज़ का गठन किया जाएगा, तो उस क्षेत्र में पंचायत का गठन किया जाएगा। समझिए, अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 500 से लेकर के 5000 के बीच में है तो उसे ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा और ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत का गठन किया जाएगा। और अब आगे बात करें, किसी क्षेत्र की जनसंख्या 5000 से 50000 के बीच में है तो उसे कस्बा माना जाएगा और उस कस्बे के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नगर पंचायत में, जब वो क्षेत्र ग्राम के स्थान पे कस्बे में तब्दील हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें कि 50000 से 90000 की अगर जनसंख्या होगी तो 50000 से 90000 की जनसंख्या के लिए बनाया जाएगा नगर पालिका, बनाया जाएगा। इसी प्रकार से 50000 से 100000 तक की जनसंख्या पर, 50000 से 100000 तक की जनसंख्या पर, 100000 तक की जनसंख्या पर नगर पालिका बनेगा। अब आप कहेंगे कि भाई दो जगह नगर पालिका बन रहा है, अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 50000 से 90000 के बीच में है तो उसके लिए नगर पालिका बनेगा, और किसी क्षेत्र की जनसंख्या 50000 से 100000 के बीच में है तो भी नगर पालिका बनेगा। तो ये कैसे में बनेगा, भौगोलिक दशा के आधार पर, यानी कि अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र में नगर पालिका 90000 की जनसंख्या तक होगी, और अगर कोई मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र में जो नगर पालिका होगी वो 100000 की जनसंख्या तक होगी। अब ये नगर पालिका किस में तब्दील हो जाएगी, जिस प्रकार से पंचायत नगर पंचायत में तब्दील हुई, नगर पंचायत नगर पालिका में तब्दील हुई, तो नगर पालिका नगर निगम में तब्दील होगी। अब आप इसके अनुसार समझ सकते हैं कि अगर 90000 से, 90000 से अधिक जनसंख्या हो गई, किस क्षेत्र की अधिक जनसंख्या हो गई भाई, पहाड़ी क्षेत्र की, अगर कोई शहर पहाड़ में है और उसकी जनसंख्या 90000 से एबव हो गई, 90001 90002 एबव हो गई, तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए तब क्या बनाया जा सकता है, नगर निगम बनाया जा सकता है। लेकिन मैदान में नगर निगम तभी बनेगा जब 100000 से ऊपर की जनसंख्या होगी, 100000 से अधिक जनसंख्या पर मैदानी क्षेत्र में क्या बनाया जाएगा, मैदानी क्षेत्र में बनाया जाएगा, हाँ जी, नगर निगम। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में 90000 से अधिक की जनसंख्या पर नगर निगम बनाया जा सकता है, जबकि मैदान में 100000 से ऊपर की जनसंख्या पर ही नगर निगम बनाया जाएगा। और अब आगे इसे पढ़ते हैं कि पंचायत का गठन किस प्रकार से होगा। तो भाई पंचायतें कम से कम 500 की जनसंख्या पर बनेगी। अगर पहाड़ में, अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई गांव है और उसकी जनसंख्या मात्र 100 है तो इस क्राइटेरिया के अनुसार उसके लिए पंचायत नहीं बनेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में बी गांव को भी शामिल कर लिया जाएगा। अब बी गांव को देखें तो बी गांव की जनसंख्या 200 है तो तभी भी 500 का क्राइटेरिया नहीं बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगले गांव को शामिल किया जाएगा। अगले गांव की जनसंख्या अगर 300 है तो इन तीनों को शामिल कर लिया गया, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो इस प्रकार से इन तीनों को मिला करके इनकी सम्मिलित जनसंख्या कितनी हो गई, इनकी सम्मिलित जनसंख्या 600 हो गई, जो 500 से एबोव है। तो इस कंडीशन में इन तीनों के लिए एक संयुक्त क्या किया जा सकता है, पंचायत बनाई जा सकती है, एक संयुक्त पंचायत बनाई जा सकती है, और तीनों को जो है एक ही ग्राम सभा माना जाएगा, तीनों को एक ही ग्राम सभा के अंतर्गत माना जाएगा। तो पंचायत का गठन जो है वो कम से कम 500 की जनसंख्या पर होता है। इसी प्रकार से इसमें हम आगे के गाँव भी जोड़ सकते हैं, तब तक जोड़ सकते हैं जब तक उनकी जनसंख्या 5000 तक ना हो जाए, अगर वो चाहे तो। और अब क्या किया जाएगा, अब जब जनसंख्या 500 से अधिक हो गई है तो इसी क्षेत्र को जो है क्या किया जाएगा, इस ग्रामीण क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र को किस में बांटा जाएगा, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड में बांटा जाएगा, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या उसमें वार्ड में बांटा जाएगा, और प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति चुन करके आएगा जिसे वार्ड मेंबर या पंच कहा जाएगा।
अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि किसी ग्राम सभा के अंतर्गत, क्योंकि ग्राम सभा की जनसंख्या 500 से 5000 के बीच में हो सकती है, तो किसी ग्राम सभा के अंतर्गत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या पंचों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है और अधिकतम कितनी हो सकती है। तो इसका सही आंसर है न्यूनतम 5 हो सकती है और अधिकतम 15 हो सकती है। तो इसका क्राइटेरिया हम देखेंगे। देखिए, अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 500 से 1000 के बीच में है तो उस पूरे ग्रामीण क्षेत्र को 5 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाएगा और प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुन करके आएगा तो उसे पंच कहा जाएगा। तो पंचों की न्यूनतम संख्या 5 होगी, इसीलिए उन्हें पंच नाम दिया गया है। अब आगे हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 5000 तक हो सकती है। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से 2000 के बीच में है तो ऐसे कंडीशन में उसको 7 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा और साथ ही पंच होंगे। अब आगे हम बात करें, अगर उसकी जनसंख्या 3000 से 4000 के बीच में है तो ऐसे कंडीशन में उस क्षेत्र को 9 उसमें बांटा जा सकता है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। चौथा, अगर हम बात करें कि उसकी जनसंख्या 4000 से 5000 के बीच में है, 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से सॉरी यहाँ पे 3000 आएगा, 3000 के बीच में है तो उसकी जनसंख्या 3000 हो सॉरी उसकी अगर किसी 2000 से 3000 के बीच में अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है तो पंचों की संख्या 9 हो सकती है। और अब आगे बात करें कि किसी ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 3000 से 4000 के बीच में होगी तो ऐसी कंडीशन में जो है 11 हो सकती है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और पंचों की संख्या। आगे अगर हम बात करें कि 4000 से 5000 के बीच में है तो ऐसी कंडीशन में 15 हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की न्यूनतम संख्या 5 और अधिकतम 15 हो सकती है और उतने ही पंचों की भी संख्या होगी। तो इस प्रकार से पंचायत का गठन किया जाता है। अब पंचायत की संरचना के विषय में बात करेंगे। आइए दोस्तों, आगे आर्टिकल 243 डी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 243 डी में ये कहा गया है कि पंचायत की संरचना किस प्रकार से होगी। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो पंचायत की संरचना है वो भारत में त्रिस्तरीय है और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो मॉडल दिया था वो दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है। तो इसके फिगर को हम थोड़ा देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि सबसे निचले स्तर पे क्या होता है तो निचले स्तर पे जो होती है वो होती है ग्राम पंचायत होती है, यानी कि एक जिले के अंदर कई ग्राम पंचायतें हो सकती है, उसके अंदर जो है हजारों ग्राम पंचायतें हो सकती है। और अगर ग्राम पंचायत के ऊपर अगर हम बात करें, बहुत से ग्राम पंचायत मिल करके ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति का गठन करती है और इसी प्रकार से कई ब्लॉक एक जिले के अंदर होते हैं तो बहुत से पंचायत समिति मिलकर के एक जिला परिषद का गठन करती है, यानी कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें जो है ये स्थानीय स्वशासन के तहत जो है संस्थाएं हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो जिला पंचायत एक होगी, ठीक है, जिला पंचायत के अंडर में जितने ब्लॉक होंगे उतने पंचायत समिति होगी, ये जिला स्तर पे काम करेगी, ये खंड स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे काम करेगी और ये ग्राम स्तर पे काम करेगी। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में जो जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं वो कौन है, तो वो प्रधान और उसके सहायक, यानी कि प्रधान और पंच है। और यही क्वेश्चन आपका ग्रुप सी में बना था कि किसी ग्राम सभा के अंतर्गत पंचों की संख्या या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम 5 और अधिकतम 15, जो आपने पिछले क्राइटेरिया में देखा था। पंचायत समिति अगर हम बात करें तो पंचायत समिति में ब्लॉक प्रमुख हेड होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है और बाकी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिन्हें BDC मेंबर भी कहा जाता है।
आगे अगर हम बात करें जिला पंचायत में, तो जिला पंचायत या जिला परिषद आप उसे कह सकते हैं, तो उसमें जिला अध्यक्ष प्रमुख होता है और बाकी जो है उसके जो सहायक होते हैं वो जिला पंचायत सदस्य, उनको कहा जाता है जिला पंचायत सदस्य। तो ये लोग जनता के द्वारा चुने गए हैं, जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे जो इनका अधिकारी होगा, जो उनको प्रशासनिक कार्यों में हेल्पफुल होगा, तो उसे DDO या DPRO कहा जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर VDO, और इस स्तर पे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या पंचायत मंत्री उन्हें सचिव के रूप में उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार से पंचायत की संरचना जो है वो त्रिस्तरीय है। और ये जो फॉर्मेट है स्थानीय स्वशासन का, ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक्टिवेट होता है, यानी कि जिसकी जनसंख्या 500 से लेकर के 5000 के बीच में है। आगे हम बात करें इसके बाद अगले आर्टिकल की, तो आर्टिकल 243E की हम बात करेंगे। आगे हम बात करें आर्टिकल 243E, तो ए का क्रमांक जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 होता है, तो इसी अनुसार हम जोड़ सकते हैं कि इसमें जो है पंचायतों की अवधि के विषय में बताया गया है, यानी कि कोई पंचायत कितने समय तक कार्य करेगी। तो कोई भी पंचायत जो है वो अपने प्रारंभ तिथि से, यानी कि जिस दिन वो प्रारंभ हुई थी उस प्रारंभ तिथि से आगामी 5 वर्ष तक वो बनी रहेगी, तो ये पंचायतों की अवधि है। अब इस पर आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पंचायतों की प्रारंभिक तिथि कब से प्रारंभ होगी? जब ग्राम सभा की पहली बैठक होगी। तो ग्राम सभा की जो प्रथम बैठक होगी, उस प्रथम बैठक से आने वाले 5 साल तक ये पंचायत बनी रहेगी। इस पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, नंबर 1, यदि कोई पंचायत, आप इमेजिन कीजिए यदि कोई पंचायत 5 वर्ष तक नहीं चली, वो 3.5 वर्ष तक चली, अब उस हिसाब से उसका जो है करीबन 1.5 वर्ष और रिमेनिंग टाइम पीरियड रह गया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो 3.5 वर्ष में ही भंग हो गई, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए चुनाव अनिवार्य रूप से करवाए जाएंगे। और अब जो नई पंचायत बनेगी, वो नई पंचायत शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। तो इसमें आपका क्वेश्चन ये बनता है कि कोई पंचायत अगर अपनी कार्यकाल से पहले समाप्त हो जाती है, तो उसके लिए जो नई पंचायत बनाई जाती है, वो पंचायत क्या 5 साल के लिए काम करेगी? जी नहीं, 5 वर्ष के लिए नहीं, बल्कि रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए कार्य करेगी। दूसरा इसमें क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कोई पंचायत अगर ऐसे समय में भंग हुई है जब उसके भंग होने के लिए 6 माह या उससे कम का समय रह गया था, कोई पंचायत सपोज जो है 4 वर्ष और 8 महीने तक चली, उस हिसाब से अब उसके लिए 4 महीना रह गया था, तो वही कह रहा है कि कोई पंचायत अगर ऐसे समय में भंग हुई है जब उसके स्वतः समाप्त होने के लिए 6 माह या उससे कम का समय रह गया था, तो ऐसी पंचायत के लिए चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। तो उस पंचायत के लिए आने वाले समय में सामान्य चुनाव ही करवाया जाएगा, आम चुनाव करवाया जाएगा। आगे हम बात करें आर्टिकल 243F, तो आर्टिकल 243F में आपने कहा था कि पंचायत सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता का प्रावधान इसमें किया गया है, जो आपको वीडियो एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो पंचायत सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए और क्या उनकी अयोग्यताएं होनी चाहिए, जिस आधार पर उनको अयोग्यता का प्रमाण पत्र निर्वाचन आयोग देता है और उन्हें चुनाव लड़ने से रोकता है। तो हम इसमें जो क्वेश्चन आपका बनेगा योग्यता पे, कि कोई भी व्यक्ति अगर पंचायत का चुनाव लड़ेगा, चाहे वो ग्राम स्तर पर लड़ता है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर लड़ता है, या चाहे वो जिला स्तर पर लड़ता है, तो पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है। आगे हम बात करें आर्टिकल 243G, तो आर्टिकल 243G में आपने कहा था कि भाई पंचायतों की शक्ति, पंचायतों के पास कुछ शक्तियाँ दी गई है और उन शक्ति का प्रयोग करके वो क्या कर सकते हैं, कुछ विशेष नियम कानून बना सकते हैं और पंचायतों को
कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो 29 विषयों पर, और इन 29 विषयों का उल्लेख किया गया है अनुसूची 11 में। आगे हम बात करें आर्टिकल 243 जी, जी के बाद आपने कहा एच, तो आर्टिकल 243 एच में यह है कि पंचायतों के करारोपण करने की शक्ति। पंचायत अगर ग्राम सभा के लिए कोई सुविधाओं का कार्य करते हैं तो उन फैसिलिटीज़ पर वो क्या कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। सपोज अगर ये ग्राम सभा के अंदर कोई मेला लगता है, स्थानीय मेला लगता है, तो इस स्थानीय मेले पे पंचायत क्या कर सकती है, टैक्स लगा सकती है, वेल्थ टैक्स लगा सकती है। आगे हम बात करें 243 आई, तो आर्टिकल 243 आई में ये था कि पंचायतों में वित्त का प्रावधान, यानी कि पंचायतों में वित्त की व्यवस्था कौन करेगा, पंचायतों में जो वित्त की व्यवस्था करेगा वो राज्य वित्त आयोग करेगा। इसके बाद जे की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 243 जे में ये कहा गया था कि भाई आर्टिकल आपको पिछले वीडियो में पूरे अच्छी तरह से पढ़ाए गए थे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आर्टिकल 243 में जे में ये कहा गया है कि अगर वित्त की व्यवस्था की जाती है तो वित्त पर लेखांकन भी किया जाएगा, यानी कि वो पैसा सही जगह पे यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का जांच पड़ताल की जाएगी। आर्टिकल 243 के की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 243 के में कहा गया है कि पंचायतों में निर्वाचन होगा, पंचायतों में निर्वाचन होगा, और निर्वाचन के संबंध में आपका यही क्वेश्चन बनेगा कि कोई पंचायत अगर जो है मध्यकाल में भंग हो जाती है तो उसके लिए चुनाव तब करवाया जाता है जब उसकी वास्तविक समाप्ति अवधि के लिए 6 महीने से ज़्यादा का समय रहता है, और 6 महीने या उससे कम का समय रहता है तो फिर उसके लिए चुनाव नहीं करवाए जाते। ठीक है, तो पंचायतों में निर्वाचन, निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। आगे हम बात करें आर्टिकल 243 एल की अगर हम बात करें तो एल में ये था कि केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतें व्यवस्थाएं नहीं होंगी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश में नगर निगम बनेंगे क्योंकि वहां की जनसंख्या ऑटोमेटिकली 100,000 से ऊपर है। आगे अगर हम बात करें आर्टिकल 243 एम में, तो 243 एम में ये कहा गया है कि भैया कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं होती। आर्टिकल 243 एन की अगर हम बात करें तो 243 एन में ये था कि पंचायतों का बना रहना, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका जो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी पंचायत सदस्य की तत्काल कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है या अपना इस्तीफा दे देता है तो वो पंचायत जो है उसके जाने से भंग नहीं होती, वो पंचायत हमेशा बनी रहेगी, यानी कि 5 साल तक बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक कि ग्राम सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर देगी। आगे हम बात करें आर्टिकल 243 ओ, तो 243 ओ में ये कहा गया था कि भाई पंचायतों के मामले में हस्तक्षेप लेगा, कौन हस्तक्षेप लेगा, न्यायालय हस्तक्षेप लेगा। तो ये आपने आर्टिकल के विषय में पढ़ा था, और इसमें अब थोड़ा सा और छूट जाता है, उसके विषय में हम आपको बताते हैं। तो आइए दोस्तों, आर्टिकल के विषय में आपने पूरा पढ़ लिया था, जहाँ तक संभावित क्वेश्चन है आपके जो बनेंगे वो आपने पढ़ लिया। अब आगे हम बात करें कि भाई स्थानीय स्वशासन जो है इसे सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया, तो आपने कहा कि भाई स्थानीय स्वशासन के तहत जो पंचायतें गठित की जाती है वो पंचायतें सबसे पहले कहाँ पे लागू की गई, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जनपद में जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप सी में बनेगा कि पंचायतों का शुभारंभ कहाँ पे हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। और जब पंचायती राज का जो शुरुआत हुआ था तो ये शुरुआत स्वतंत्र भारत में हुआ था, और स्वतंत्र भारत से पहले भी पंचायतें थी, स्वतंत्र भारत से पहले भी स्थानीय स्वशासन था, जैसे कि आपको बताया गया है कि ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो हम अगर बात करें कि आज़ादी के बाद की क्या कहानी थी, तो जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2 योजनाएं चलाई गई। तो पहली योजना का नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले
किस कार्यक्रम का सृजन किया गया, तो उसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये 2 अक्टूबर 1952 को केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा जो कार्यक्रम था वो था राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम जो है ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1953 को। तो इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी ये बात कही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत का हृदय निवास करता है। तो स्थानीय स्वशासन पर महात्मा गांधी के विचारों की छाप भी पड़ती है। पिछले आपने वीडियो में देखा था, उसमें आपने देखा था कि भाई जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण इसका उद्देश्य है। तो ये दो कार्यक्रम जब केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए तो ये दोनों कार्यक्रम असफल घोषित हुए, यानी कि इन दोनों कार्यक्रमों में सफलता नहीं मिली, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। तो इनकी असफलता की जांच करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे हम मेहता कमेटी कहते हैं। तो मेहता कमेटी का जो संबंध है वो स्थानीय स्वशासन से। तो मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जब NDC को पेश की 1958 में, तो मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि भाई स्थानीय स्वशासन का न होना, पंचायती राज का न होना इन दो कार्यक्रमों की सफलता का कारण है। तो तब बलवंत राय मेहता कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाया गया, और उस पंचायती राज को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जनपद में लागू किया गया। तो इस प्रकार से भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया स्वतंत्र भारत में। और तब आपको पता है कि भैया 64वें नंबर का और 65वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था, भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा। राजीव गांधी का उद्देश्य ये था 1989 में लाया गया था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाए जाने का उद्देश्य था। लेकिन ये दोनों विधेयक 64वें और 65वें संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुए, लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं हुए। इसके बाद जो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आए, 73वें पंचायतों से संबंधित था, 74वां नगर शासन से संबंधित था। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लोकसभा राज्यसभा में पास हुए, और इस पर जो है 17 राज्यों की विधानसभाओं ने भी अपनी सहमति प्रकट की, तब जा कर के इन्हें संविधान में दर्जा दिया गया है। इसके आगे हम बात करें, इसमें एक और आपका वीडियो बनेगा, उसमें जो है अशोक मेहता समिति के विषय में पढ़ेंगे, और PK थुंगन समिति के विषय में पढ़ेंगे, हनुमंत राव समिति के विषय में पढ़ेंगे। और क्योंकि इस वीडियो में ये सब कुछ कवर नहीं हो सकता, तो आज के लिए हम इतना ही वीडियो बनाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।